हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज डॉक्टर रितु दर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैटा ओरिएंटालिस के बारे में। अगेन एक इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज में आती है और हर बार इसका यूज करते हैं, हर बार ये अपने अच्छे रिजल्ट शो करती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। इस मेडिसिन की पूरी डिटेल, जैसे कि इसका किंगडम, इसका क्लासिफिकेशन, इसका पूरा ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर, मतलब कि इसकी फैमिली, इसके जो फर्स्ट प्रूवर है, इसके क्लिनिकल्स, कंप्लीट पर्टिकुलर्स और चॉइस ऑफ पोटेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है। आगे और भी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लैटा ओरिएंटालिस जो मेडिसिन है वो किससे प्रिपेयर की जाती है। ब्लैटा ओरिएंटालिस प्रिपेयर की जाती है कॉकरोच से। इंडियन कॉकरोच जो है उसी को ब्लैटा ओरिएंटालिस कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको जनरली भी वाटर बीटल भी कहा जाता है, इसको नॉर्मली बीटल भी कहा जाता है, बट ये इंडियन कॉकरोच है। इसकी फैमिली जो है वो है ऑर्थोप्टेरा। इसका किंगडम है एनिमेलिया। एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो एनिमेलिया। अभी तक जितनी भी हम होम्योपैथिक ड्रग्स पढ़ते आए हैं, सभी जनरली क्या, सारी जितनी भी पढ़ी वो सभी प्लांट किंगडम की। ये फर्स्ट ऐसी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग हम पढ़ रहे हैं जो कि एनिमल किंगडम की है। तो इसका किंगडम एनिमेलिया है। इसका फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। क्लास है इसका इंसेक्टा। इंसेक्ट्स में आते हैं कॉकरोच, तो क्लास है इसका इंसेक्टा। ये सब डिटेल्स हम अपने नाइन्थ क्लास में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। इनका नेचुरल ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया ऑर्थोप्टेरा, बट कहीं कहीं मटेरिया मेडिका के ऑथेंटिक बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा विद्यासागर ऑर्थोप्टेरा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन लर्न इट लाइक दिस ऑल्सो, विद्यासागर ऑर्थोप्टेरा। इनके फर्स्ट प्रूवर जो है वो है पंडित ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र ने इनको फर्स्ट टाइम प्रूव किया था। एक्चुअली देयर इज बीन अ स्टोरी बिहाइंड दिस। इस मेडिसिन की प्रूविंग की एक स्टोरी है जो आपको, अगर आप क्लार्क पढ़ते हो तो क्लार्क में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इट हैज बीन रिटन ओवर देयर कि एक्सीडेंटली एक बार एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने टी प्रिपेयर की अपने लिए, एंड टी उन्होंने प्रिपेयर की जिसमें दिस बीटल वॉज इन्फ्यूज्ड, एंड उन्होंने वो उसको टी को बॉयल वगैरह किया और उसके बाद पिया। तो ही वॉज एन एस्थमेटिक पेशेंट और उनको जो है एस्थमा के सिम्टम में रिलीफ आया अननोइंगली, उन्हें ये चीज पता नहीं थी। लेटर ऑन ही रियलाइज दैट उसमें ये चीज गिरी हुई थी, लेकिन उनके एस्थमेटिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिलीफ हुए। उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती थी उसमें रिलीफ मिला। एंड दिस एक्सीडेंट केम आउट टू बी अ वंडरफुल डिस्कवरी बाय द नेम ब्लैटा ओरिएंटालिस, होम्योपैथिक मेडिसिन। इसको फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है काफी सारे होम्योपैथिक हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे इसको प्रूव किया गया। इसको जो है इसको डायनामाइज किया गया, इसको प्रिपेयर ही, इसका ट्राइटरेशन जो है प्रिपेयर करते हैं लाइव इंसेक्ट से। तो इसको डायनामाइज किया, पोटेंटाइज किया, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे दिया गया और देखा कि एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए ये एक वरदान की तरह है, बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनकी भी लंग्स की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जिनके लंग्स जो है पूरे इन्फ्लेट नहीं कर पाते, उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इवन अगर एस्थमेटिक नहीं भी है, जो खुल के हंस नहीं पाते, खुल के डीप इंस्पायर नहीं कर पाते, जो फेफड़े हैं वो हमेशा से कंस्ट्रिक्टेड फील होते हैं, ऐसे केसेस में ब्लैटा ओरिएंटालिस बहुत अच्छा काम करती है। सो कई बार नेचर इस तरह का एक एक्सीडेंट जो था, नेचर ने उसको इस तरह से हमारे लिए एक वरदान सा बना दिया कि ये मेडिसिन बहुत सारे एस्थमेटिक, इवन सफोकेशन वाले पेशेंट्स के लिए, जिनके छाती में बहुत ज्यादा म्यूकस का एक्युमुलेशन होता है, ऐसे पता नहीं कितने सारे केसेस ब्लैटा ओरिएंटालिस ने ठीक किए हैं। तो इसका क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल में जनरली वी राइट डाउन वी लर्न दैट ये एस्थमा के लिए, सफोकेशन के केसेस के लिए, कफ के लिए, मतलब खांसी हो रही है, डिस्निया के लिए, ब्रेथलेसनेस के लिए, ऐसे केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इवन ये ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं ट्यूबरक्यूलोसिस में,
आप जो भी ऑथेंटिक मटेरिया अमेरिका की बुक्स पढ़ेंगे, ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनमें आपको ट्यूबरक्यूलोसिस वर्ड बहुत कम, आई थिंक नहीं मिलेगा। ट्यूबरक्यूलर वर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस वर्ड की जगह आपको थीसिस वर्ड दिखेगा। थीसिस का मतलब ही होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को जनरली सांस लेने की दिक्कत या घुटन या लंग की एफिशिएंसी कम लगती है बरसात के मौसम में, और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, जिनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है या तो वो रेनी वेदर में या फिर जनरली विंटर्स में या जब डैम्प ह्यूमिड होता है मौसम, उस समय बहुत ज्यादा उनको घुटन होती है। ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है ब्लैटर ओरिएंटालिस। बहुत सारा पस जैसा या म्यूकस जैसा छाती के अंदर रैटल कर रहा है, बहुत ज्यादा भरा पड़ा है छाती और स्टीम कर रहे हैं, देन स्टीम लेने के बाद वो फिर उसको इजीली निकाल पा रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां हम इस मेडिसिन को नहीं सोचते, हम बाकी और सारे मेडिसिन, हम एंटीमार्स सोच रहे हैं, हम इपिकैक सोच रहे हैं, हम और भी बहुत सारी मेडिसिन सोच रहे हैं, लेकिन ब्लैटर इज वन ऑफ द वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी वंडरफुल मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन दीज केसेस, जहां पर आपको छाती में बहुत बलगम मिल रहा है, पेशेंट को सांस नहीं लिया जा रहा, उसमें ब्लैटर देने पर वो छाती को भी क्लियर करता है, बलगम को पूरा क्लियर करता है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ देता है। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपकी जो घुटन है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। आर्सेनिक हम दिया करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन ब्लैटर, अगेन यू मस्ट थिंक ऑफ ब्लैटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। पोटेंसी की अगर हम बात करें तो पोटेंसी में लोअर पोटेंसीज जैसे कि मदर टिंचर 3x 6x 12x, ये पोटेंसीज जो है जनरली आप अक्यूट केसेस के लिए देते हैं। अक्यूट केस आपके पास आया जिस समय उसी समय उनको हो रहा है या बहुत फ्रिक्वेंटली उन्हें आजकल ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको मदर टिंचर दीजिए। मदर टिंचर देते ही विद इन 5 to 10 मिनट्स उनको रिलीफ आ जाएगा। आधे कप गुनगुने पानी के अंदर आप उन्हें 10 to 15 ड्रॉप्स डालकर पीने के लिए बोलिए, दिन में 3 या 4 बार, उनको तुरंत रिलीफ आ जाएगा। बट अगर आपके पास क्रॉनिक केसेस आए हैं जो बहुत लंबे समय से आस्थमा है, बहुत सारे कन्वेंशनल ड्रग्स ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि है सारे सिम्टम्स ब्लैटर वाले, आपको और कुछ भी इतना ज्यादा केस टेकिंग की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटी मैच करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ब्लैटर ओरिएंटालिस से मिलते हैं। आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी स्फीयर के सिम्टम मिल रहे हैं और कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, गिव ब्लैटर ओरिएंटालिस हाई पोटेंसीज में। आप दीजिए 200 C दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है 200 C आपने दिया एंड इट वर्क्ड वेल, तो आप जो है नेक्स्ट टाइम फिर से उसी को रिपीट कीजिए। कुछ समय बाद आपको लगता है उसका इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो गया, तो गिव वन हायर पोटेंसी, एक हायर पोटेंसी आप फिर जाकर देखिए। और ब्लैटर ओरिएंटालिस की हाई पोटेंसीज भी बहुत ही वंडरफुली काम करते हैं। तो क्रॉनिक केसेस में कोशिश कीजिए हायर पोटेंसीज की तरफ जाइए, और जो अक्यूट आपको मिल रहा है अक्यूट अटैक के लिए आप पेशेंट को हमेशा उनके पास मदर टिंचर रखवाइए, ताकि जब भी उनको ये प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उसको गुनगुने पानी में पी सकें और उनको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। एस्थमैटिक पेशेंट्स के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि ब्लैटर ओरिएंटालिस इज अ काइंड ऑफ एंटी एनाफाइलैक्टिक। एंटी एस्थमैटिक तो है जैसे हमने सिम्टम, एंड एंटी एनाफाइलैक्टिक है। एनाफाइलैक्टिक इज व्हाट? इट्स हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी जो है लंग्स की डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, हमारे फेफड़े पूरे अच्छे से इन्फ्लेट नहीं कर पा रहे, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, सब में एक तरह का स्पैज्म है, एक जकड़न है, तो वो हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से भी होता है। इट इज नॉट ऑलवेज की हाइपरसेंसिटिविटी जो है एलर्जी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं एलर्जी, जो है वो आपको स्किन पर हो, कभी भी नहीं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, नाक से जो है बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। एलर्जी जो है कई बार फेफड़ों तक चली जाती है, उनको भी हाइपरसेंसिटिव बना देती है। कुछ भी, कोई भी स्लाइट सा ट्रिगर मिला और उनको जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घुटन होने लगती है। तो ब्लैटर ओरिएंटालिस, दैट मीन्स इंडियन कॉकरोच, इज नॉट ओनली गुड एंटी एस्थमैटिक, इट इज अ वेरी वंडरफुल एंटी एनाफाइलैक्टिक मेडिसिन। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लैटर ओरिएंटालिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज डू गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट इंडियन होम्योपैथिक ड्रग लेकर आती हूँ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।